बहुत से कमेंट मैंने देखे भी है सुने भी है भाई अरस छिकारा जो पीछे खावे के लिए। यहाँ पे देखो लाखों रुपए साथ लेके घूम रहा हूँ मैं, और ये ही वो भाई हैं जो करोड़ों रुपए भी इकट्ठे कर देते। हाँ मैं पैसे खाता हूँ भाई, इस बात में कोई हकीकत में रुपये खाता हूँ भाई, 27 करोड़ रुपए लोगों के खा चुका हूँ। गाँव में बैठे हैं फिलहाल भिवानी से 1.5-2 किलोमीटर आगे आलवास गाँव है, और सबसे पहले तो मैं इस गाँव को सैल्यूट करूँ, इस गाँव की सरदारी को सैल्यूट करूँ। इस गाँव ने अपनी बेटी के लिए आम न कम से कम 200-250 सूट बर्तन और तरह तरह का सामान रखा था। उसे दूसरा मैं आपको बता देता हूँ बहन, यहाँ पे दो गुड़ियाओं की, दो बहनों की शादी है, जिनका मकान टोटल 25 गज का है, दो कमरे हैं, एक कमरे का छत भी नहीं है, बहुत ही नाजुक स्थिति, पिता बीमार रहता, भाई बिल्कुल छोटा सा है। इसकी मदद की बताई थी हमें, जिस घर में हाल फिलहाल हम बैठे हुए, अनिल अपना भाई अनिल राणा साहब, उसने हमारे से संपर्क किया था, जो हमारी टीम का हिस्सा हमारा ही भाई है। सबसे पहले भाई ने मदद भी अपनी जेब से की, अपनी जेब से भाई ने 2 कूलर 1 वॉशिंग मशीन 5100 रुपये नगद, ये सहयोग भाई ने अपनी तरफ से कराया। फिर हमारे साथ यहाँ पे समस्त भाईचारा है, वो उस चीज़ की वीडियो भी बना रखी है, बार बार नाम लूँगा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारे जो बड़े भाई बैठे हैं, इनसे हमने सीखा है, इनसे सीख के ही हमने मदद करने की कोशिश की। हाल फिलहाल इन दो गरीब बेटियों के लिए, दोनों के लिए एक एक डबल बेड, एक एक संदूक, एक एक अलमारी, एक एक सिलाई मशीन, 51 बर्तन, 57,600 रुपये कन्यादान, जिसमें उसी में जोड़ दिया हो 11,000 रुपये का हमने बात वाली रस्म करी। उससे अलग बहुत सारा सामान है, सूट हैं, बर्तन हैं, मेकअप किट थी, मिक्सर दोनों के लिए, मिक्सर जूसर थे, अच्छा कंबल थे, मतलब पूरा सामान हम गिनवा नहीं सकते। जो कुछ भी होता है शादी में, समस्त सारा का सारा सामान, उससे भी ज़्यादा सामान परमात्मा की दया से इन बहनों के पास इकट्ठा हो गया। हमारी ताकत ये है, हमने कल शाम को शायद 6 बजे पोस्ट डाली होगी, या 7 बजे, 14 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें इसलिए एकत्रित होगी। उसका कारण भी बता देता हूँ, आप लोग जिस जातिवाद में जीते हो हम उस जातिवाद से घृणा करते हैं, आप लोग जिस एटीट्यूड में रहते हो हम उस एटीट्यूड से घृणा करते हैं। हम जमीन पे रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, हमें यहाँ किसी का नहीं पता ये जितने साथियाँ इनमें कौन से की क्या जाति है, ना ही किसी को इस बात से मतलब है ये जो बहन थी जिसकी शादी हो रखी उसकी क्या जाति है। हम सब ने एक इंसानियत के नाते, हम इंसान हैं, भगवान ने इंसान बनाए, हमने एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए, दो बेटियों का कन्यादान किया, दो बेटियों का सहयोग किया, दो बेटियों की शादी करवाई, वे बेटी हमारी हैं, हम उनके भाई हैं, वे भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। सिर्फ इंसानियत से प्यार करो, इंसानियत से प्रेम करो, एक दूसरे के अंदर कमियां मत ढूंढो, उसके काम को देखो, उसके काम को देखते हुए उनको सारा लगाओ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप पूछो अपना सवाल। बहुत से कमेंट मैंने देखे भी है सुने भी है भाई अरस छिकारा जो पीछे खावे हैं बोले हैं, मैं नहीं बोलती भाई, मैंने देखे हैं बहुत सारे, देखे हैं मैंने, कमेंट भी पढ़े हैं, तो ये क्यों बोला है ऐसा कि भाई आज मैं स्पेशल न्यू आई हूँ इतनी दूर तक कि मैंने सुनी है कि अरस छिकारा छोरियाँ के आए उन्हें रुपये खावे हैं। मेरी बाण का एक नंबर का सवाल है, पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, मैं हकीकत में रुपये खाता हूं भाई, 27 करोड़ रुपये लोगों के खा चुका हूं। वे 27 करोड़ रुपये जो समाज को दिए हैं, समाज की मदद करी है, लोगों की जेब से निकाल के खाए तो है। आप एक काम करो, आप तो लड़की भी हो, आप पत्रकार भी हो, 10,000 रुपये मेरे को ना इस फेसबुक पे चैनल के माध्यम से इकट्ठे करके दिखा दो, मांग के गारंटी देता हूँ अगर कोई दे दे तो। अब मेरे को देने के लिए यहाँ पे देखो लाखों रुपये साथ लेके घूम रहा हूँ मैं, और ये ही वो भाई हैं जो करोड़ों रुपए भी इकट्ठे कर देते। हाँ मैं पैसे खाता हूँ भाई, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ मेरी बहन, जो आपका सवाल है उसका जवाब देता हूँ। मेरे को जो जितनी डोनेशन देता है वो मना भी कर देता है, मेरा नाम मत बोलना, मैं तब भी उसका नाम बोलता हूँ वीडियो में, और मैं वीडियो में सबके नाम बोल के इसीलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा आ जाए हकीकत में पैसे कितने आए हैं, मदद कितनी हुई। अब मैं सबके नाम बोल रहा हूँ, अगर आपने 1,000 रुपये दिए हूँ आपका नाम नहीं बोलूँगा ना अगली बार, या तो आप मेरे को पैसे नहीं दोगे या मेरे खिलाफ पोस्ट करते पाओगे कि मेरे रुपये खा गया रसमन ने भी दिए थे, मानते होगे इस बात को, आज तक आपने पोस्ट नहीं देखी होगी ना मेरे रुपये खा गया, ये कहने वाला ऐसा कोई नहीं पाऊंगा कि मेरे खा गया, मेरे सामने आज तक ऐसा नहीं आया। मैं ये चैलेंज भी करता हूं भाई, अगर कोई ये कहता रस छिकारा किसी के रुपये खा रहा, डबल टबल रुपये उनके मैं दूंगा सबूत के साथ, मेरे मुंह पागे कहू 3 गुना दूंगा, 5 गुना दूंगा, आके कह कहते देखो जो मेरे नुकसान हो है, जो मैं घर तक फूकन लाग रहा हूं, मैं गणवा दूंगा एक एक, मेरे कंप्यूटर में सारी चीजें सेव आज तक। आप लोगों को लगता है मैं मूर्ख हूं, आप लोगों को बता दूं 1700-1800 नंबर तय मेरे दिमाग में सेव हैं फोन नंबर, मैं 10,000 आदमियों से मिलता हूँ, 9,500 आदमियों की शक्ल याद रखा रूँ, ये भी याद रखा रूँ कौन कहने से कैसे कपड़े पहन रहा था, पहली बार मेरे से मिला उसने, क्या मेरे से बात की थी, कहाँ मेरे साथ मुलाकात हुई थी, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मेरे लैपटॉप में पाऊंगा,
लगभग बता देता हूँ 90,000 फोन नंबर तो मेरे व्हाट्सएप पे हैं, उसमें कितने लाख आदमियों का बायोडाटा हुआ। आप लोगों को कभी मिलो चाय पिलाएंगे, सोनीपत सेक्टर 23 में मैं रहता हूँ, अरस चिकारा नाम, गांव लडराउन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 12-45-07, गांव में मोदी का है, गांव के बीच में मकान है। आकर तसल्ली करो यार, फोन पर बातें करने से कुछ नहीं होता। 2016-17 से लाग रहे हो आप, यो जो शादी है यो करवाने, तो कितनी शादी कर ली फिलहाल आपने? बहन जी हम 2012 से लाग रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, 2012 तो लाग रहे, 2015 हम फेसबुक चलानी आई, 2016 में लाइव का ऑप्शन आया, 2011 की फेसबुक आईडी सुनी है मैंने तो आपकी। बहन जी आपको धोखा है, मैं बताता हूँ, 2015 में फेसबुक आईडी बनाई थी, अच्छा चलानी आई थी, 16 में लाइव का ऑप्शन आया था, वीडियो का ऑप्शन आया था, सबसे पहले लाइव में आया था, सबसे पहले वीडियो बनानी मन ने शुरू करी थी। शेयर कैसे होता, शेयर टू ग्रुप, यो मार्ग जुग्रुप के बाद मन नहीं पता लगा था, मन नहीं सब तो पता था, इस चीज को आप देख भी सकते हो। उससे दूसरा दिखावा करना सबसे पहले मैंने शुरू किया था, मेरा भाई होगा पत्रकार साहब है, शायद लोहारू साइड का होगा भाई, इन्हीं के साइड की एक मदद थी, एक किसान था जिसके दोनों आड़े था, हाथ कट गए थे जड़ में, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, वो फर्स्ट शुरुआत पहली थी। लेकिन मैं बड़ा ही खुशनसीब भाग्यशाली कहो या कुछ भी कहो, पहली जो मैंने वीडियो डाली उस पर 60% आदमियों ने मेरे को गालियां दी थी, 40% आदमियों ने ये कहा था अच्छा काम किया, लेकिन मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रही है, मिले जाओ तो फर्क नहीं पड़ता। उससे मैं बताता हूँ बहन, उन गालियां खा के लोगों की, उस भाई की मैंने 22 लाख रुपए की नकद मदद कर दी। आज वो भाई, उसको सरकार सुविधा दे रही है, उसके दोनों हाथ शायद डुप्लीकेट लगवाए थे या क्या करवाया था उसने, वो करवाया था, वो 6 या 7 उसको लड़की लड़कियां, लड़का है नहीं, सरकार ने भी उसकी मदद करी, 22 लाख रुपए की मदद सोशल मीडिया से भी हुई। आज वो सब करते 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 1300 परिवार बसा लिए, 27 करोड़ रुपए की नकद मदद कर दी, लगभग 200 के करीब लड़कियां ब्याह दी, जिसमें 162-163 तो शायद हमने, उससे दूसरा 18 मेरी एक टीम ने, 14 एक टीम ने, 5-6 एक टीम ने, कई ऐसे गुमनाम भी जो हमारे नाम तो मदद करे जी नाम जानती नहीं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए बहन। मैं तो ये चाहता हूँ सच्चाई बताऊं तो भाई, पहले मेरे को दुख होता था जब कोई गालियां देता, ई मैंने कहूँ यार गाली देने वाला कोई है नहीं, गाली दोगे जब हम ऊपर जाएंगे, जी भर कर दिया हमारे काम की आलोचना करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा तो कर लो, अच्छा करने के लिए हम हाँ। बर्फ में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो भी आपसे प्रभावित है, और हम देश के रक्षक के गुरु बना उन्होंने, हरस भाई से प्रभावित होकर सर। भाई साहब पहले तो मैं फौजी साहब जो भी हैं दोनों हाथा माइक पकड़ रहा हूँ, सैल्यूट करता हूँ, वैसे ही हाथ लगा नहीं सकता, सारे छूट के तड़प पड़ जाएंगे। मैंने सुंदर पत्रकार भाई की वीडियो सुनी थी, क्या नाम था उस फौजी साहब का? सुशील भाई साहब अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप देश की शान हो, हम आप लोगों से प्रभावित है। मैं सच्चाई बता दूँ, मैं भगत सिंह का बहुत ज़्यादा चाहने वाला हूँ, चंद्रशेखर का बहुत ज़्यादा चाहने वाला हूँ, मैंने सूरजमल से, महाराणा प्रताप से, मैंने सबसे सीखा है, उन सब से सीखते हुए जो भी क्या है उन सब से सीखते हुए हम ये कोशिशें कर रहे हैं। हाल फिलहाल वो नहीं है, आप देश की रक्षा कर रहे हो, तो आप हमारे लिए सच के जो हीरो हो, रियलिटी के हीरो आप लोग हो। आप लोगों से सीखते हुए मेरे साथ लगभग 3,000 फौजी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ 2 से 2,500 पुलिस वाले जुड़े हुए हैं, आप लोगों का एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आप देश सेवा भी करते हो, देश सेवा के साथ साथ आप समाज सेवा भी करते हो, आप लोगों को सैल्यूट है। आप लोगों से ही प्रेरणा लेके हम ये काम कर रहे हैं, इस देश को अगर सच में कोई चलाने वाला है, एक जवान एक किसान है, आप लोगों के हम जब तक जिएंगे, जब तक ये मान लो आप लोगों के एहसान के नीचे रहेंगे, आप लोगों से बड़ा कुछ भी नहीं है।